वेलकम बैक गाइस। तो कैसे हो यार सब लोग। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 992 जो कॉम्प होता है, अटैकिंग कॉम्प होता है, जो कैसे हम उसको वर्क में ला सकते हैं, एंड अगर डिफेंड करना तो कैसे डिफेंड कर सकते हैं, कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते, इस वीडियो में हम उसके बारे में देखेंगे। तो गाइस, लास्ट वीडियो मैंने जो डाली थी 055 की, उसमें एक प्लेयर ने कमेंट किया था कि जो बफर्स होते हैं, आपने 10 लिखा हुआ है, बट जो हमारे टीममेट है या हमारे गिल्ड में यूज़ करते हैं वो 10,000 या 20,000 डालते हैं। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जो बफर्स होते हैं, चाहे आप 10 डालो चाहे आप 50,000 डालो, एक शॉट में मरेंगे वंडर्स पे। अगर आपका इन्फेंट्री बैच या 055 में आप यूज़ करते हो, देखो इन्फेंट्री सबसे आगे है, एनिमी की जो पूरी की पूरी रेंज की ट्रूप होगी सबसे पहले आपके बफर्स पे अटैक करेगी, चाहे वो 10 ट्रूप्स है चाहे वो 50,000 है, एक हिट में जाएगी। आप 50,000 ट्रूप्स क्यों गंवाना चाहते हो वन हिट में एज ए बफर, इस बात को समझो ना। 10 ट्रूप्स भी आपका सेम बफर का काम करेगी जितने 50,000 ट्रूप्स का। तो चलिए शुरू करते हैं हम 992 के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो इसके गेयर होते हैं कैसे मतलब आपको बनाने हैं। अगर आपका मतलब फुल मिथिक सेट नहीं है, नॉर्मल मिथिक सेट है, तो मेरे हिसाब से आप बना सकते हो 442। ठीक है, थोड़ा सा मतलब इसमें मतलब नॉर्मल ठीक ठाक है, इतना ज़्यादा बढ़िया भी नहीं है क्योंकि मेरे पास जैम पीसेस नहीं है इसके लिए 442 के लिए, या 442 या 992 का सेम मतलब बनेगा। 992 में थोड़ा सा कैप का कम होगा, बाकी रेंज और इन्फेंट्री का आप ज़्यादा ले सकते हो। इसमें मैं आपको लगा के दिखाता हूँ मेरा कितना बन रहा है, एक सेकेंड पूरी ऑन कर लेते हैं। कोई टारगेट है इधर, हाँ यहाँ तो कहीं नहीं, वैसे डेड कास्टर मिल जाती है बट जब प्यूरी लेनी हो तो ढूंढनी पड़ती है। क्या है यार, एंटी होना क्या, ठीक है। तो फ्यूरी से हमारा स्टैट थोड़ा सा बढ़ गया है, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि 05 सॉरी 992 या 442 में मेरा स्टैट क्या है, इतना इन्फेंट्री कैसे कम हो गया। एक सेकेंड, हाँ सॉरी ये लगाते हैं, एंड मेरा स्टैट देखो इतना है, मतलब इतना ज़्यादा खास नहीं है, ठीक है, मतलब जिस हिसाब से गेयर है मतलब नॉर्मल मिथिक है, चैम्प पीस नहीं है। इससे बढ़िया हो सकता है जब अगर आपके पास चैम्प पीस हो, ट्राई करो कि आपका रेंज एंड इन्फेंट्री का स्टैट 650 के ईच मतलब होने पर, ये तो बहुत ज़्यादा कम है। बट मैं 442 या 992 से इतना ज़्यादा खेलता भी नहीं क्योंकि मेरे पास गेयर नहीं है, बट अगर आपके पास गेयर है उसके लिए तो आप खेल सकते हो। मैं आपको बताता हूँ कि इसके लिए क्या क्या करने चाहिए। तो हीरो चल के देखते हैं कि कौन सा हीरोज आपको यूज़ करना चाहिए। ये देखो 992, सबसे पहले जो आपकी टूब्स कौन सी होनी चाहिए, आप हमेशा 375 के इन्फेंट्री टूब्स थोड़ा सा ज़्यादा लेके चलो, ताकि जो एनिमी का फैमिलियर का जो अटैक होगा आपकी इन्फेंट्री टूब्स को लगेगा, ना कि आपकी रेंज को, जो बिगेस्ट स्कोर होता है उसको लगता है ना। तो आप इन्फेंट्री लेकर चला करो तो आपकी जो बिगेस्ट स्कोर होगी वो कौन सी होगी, इन्फेंट्री की, एंड रेंज को इतना हिट नहीं पड़ेगा तो रेंज आपकी सर्वाइव करेगी क्योंकि इसमें जो फ्रंट लाइन होगी आपकी रेंज की होगी, रेंज फ्लक्स में आपको उसको हिट करना है, तो इसलिए ये लेकर चलना। दूसरा वे है जहाँ आप कैब, अगर आपको अपनी खुद की टूब से नहीं मरवानी है, मतलब कि आपको वंडर पे अटैक कर रहे हो, आपके पास 375 के इन्फेंट्री आपने डाली, तो क्या होगा कि अगर आप वन एक बैटल करते हो तो आपको आपके आपकी टूब को कुछ ना कुछ डैमेज पहुंचेगा, क्योंकि बिगेस्ट स्कोर क्या होगी इन्फेंट्री, तो फैमिलियर का डैमेज तो आपको इनडायरेक्टली वे में पहुंचेगा, चाहे फ्रंट लाइन रेंज है बट इन्फेंट्री को भी डैमेज पहुंचेगा क्योंकि फैमिलियर जो होते हैं इसको बिगेस्ट स्कोर को अटैक करेंगे। इस चीज़ को बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, अपनी 375 के ट्रूप आप कैवलरी भी डाल सकते हो, आपकी 1% भी ट्रूप डेड नहीं होगी उसमें, बट आपको हमें बनानी क्या, इन्फेंट्री सबसे बड़ी फ्रंट लाइन है, तो आप थोड़ा सा जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ ना इक्वल, थोड़ा सा मतलब 10,000 ट्रूप थोड़ी सी ज़्यादा लेके चलो इन्फेंट्री, ठीक है, तो आपकी बिगेस्ट स्कोर कौन सी बनेगी, ऑटोमेटिकली इन्फेंट्री बन जाएगी। तो हीरोज कौन से होने चाहिए, 2 इन्फेंट्री हीरो डाल सकते हो या 3 रेंज हीरो डाल सकते हो। 3 रेंज हीरो आप तब डालना जब आपका रेंज का स्टैट थोड़ा सा कम है, तो हीरो अगर उसके ज़्यादा डालोगे तो मतलब बैलेंस हो जाएगा इन्फेंट्री के साथ, ठीक है। अगर आपका
रेंज का स्टैट बहुत ज़्यादा है, तो आप इन्फेंट्री का 3 हीरो यूज़ कर सकते हो, 3-2-2 जिसमें चेंज करना। कैप का कोई भी हीरो डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 से हमारे पास ना के बराबर होती है, मतलब 1:1 की रेशो में होती है। अब बात करते हैं कि इसको कब किस टाइम पे अटैक करना चाहिए। हर टाइम हम इसका यूज़ नहीं कर सकते 992 का, तो एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर या पर्टिकुलर सिचुएशन के ऊपर हमें पता होना चाहिए कि 992 से कैसे अटैक करना है, कौन से कॉम्प के ऊपर इसके साथ हम काउंटर कर सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे है 947। अगर एनिमी के फोर्ट में 947 है तो बिंदास होकर 992 मारो। अगर आपके पास कारपेट भी नहीं है, बट अगर आपका 992 मतलब स्टैट है जो स्ट्रॉन्ग है, तो एनिमी चाहे इन्फेंट्री फेलिंग्स में आ जाए तो फिर भी वो हार जाएगा, क्योंकि 992 एक ऐसा कॉम्प है, अगर आपका स्टैट थोड़ा सा ठीक ठाक है, हैवी है मतलब, ठीक है, तो आप आराम से जी सकते हो अगर एनिमी आपको काउंटर भी कर लेता है इन्फेंट्री से, ठीक है। तो नाइन अगर आपके पास कारपेट है, रेंज वर्सेस रेंज हो गया, तो 947 तो मतलब दिखेगा नहीं, इतना भयंकर हिट पड़ेगा ना 947 को, डबल से ज़्यादा लॉस होगा अगर रेंज वर्सेस रेंज हो जाता है, तो इतना डेडली कॉम्प है 992। कारपेट के साथ आप मार सकते हो तुरंत अगर आपके पास कारपेट है। ऐसी 749 को भी आप हिट कर सकते हो, एंड 433 में भी आप हिट कर सकते हो 992 को, क्योंकि इसमें सभी में देखो ध्यान से देखो, फर्स्ट से लेकर 3 तक इसमें क्या है, थोड़ी सी मतलब रेंज कम है। 992 में रेंज थोड़ी सी ज़्यादा होती है, इसमें थोड़ी सी कम है, ठीक है। ऐसे ही 442 में भी आप रेंज वर्सेस रेंज बेस पे अटैक कर सकते हो। अब यहाँ पे आप पूछोगे कि 442 एंड 992 में डिफरेंस क्या है, दिखने में तो एक जैसे हैं, बट है भी दोनों एक जैसे ही हैं, दोनों भाई भाई, एक छोटा भाई एक बड़ा भाई है। दोनों में डिफरेंस ये है कि जो 442 में है, कैप का हम एक हीरो लेकर चलते हैं एंड उसमें थोड़ा सा कैप का स्टैट भी होता है, पर 992 में आप कैप का इतना स्टैट मतलब हो या ना हो मैटर नहीं करता, क्योंकि इसमें हीरोज नहीं है। अगर 442 वर्सेस 992 हो तो डेफिनेटली 992 जीतेगा, क्योंकि 992 में आप 2 मतलब स्टैट पे ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, इन्फेंट्री प्लस रेंज के ऊपर, बट 442 में ऐसा नहीं है। 442 में आपकी रेंज एंड इन्फेंट्री का अटैक थोड़ा सा कम होगा, प्रूफ्स भी कम होगी, थोड़ा सा अटैक भी कम होगा 992 से। तो रेंज वर्सेस रेंज में दोनों की, अगर 442 भी रेंज पे है, 992 भी रेंज पे है, तो डेफिनेटली 992 जीतेगा, क्योंकि रेंज वर्सेस रेंज जब फ्रंट लाइन बनेगी, जिसकी रेंज सबसे पहले डेड होती है, तो उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं मतलब हारने के, ठीक है। तो यही डिफरेंस है, अगर 442 एनिमी के पास है तो आप रेंज पे लक्ष्य में कारपेट के साथ मार सकते हो। एंड मैं वैसे सजेस्ट नहीं करूँगा कि 442 बेस में आप 992 मारो उसके ऊपर। 442 है तो आप आराम से 947 मारो, इन्फेंट्री फ्रंट में रख के तो आराम से निकल जाएगा 442। तो ये तो हमने सीख लिया कि अटैक हम कर रहे हैं खुद से, तो क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, बट अगर हम पे हमारे ऊपर अटैक हो रहा हो 992 से, तो हमें क्या क्या करनी चाहिए। अगर हमारे मान लो कि आपके वंडर्स में 947 है और आपने देख लिया टावर पे कि 992 आ रहा है, ठीक है, उन्होंने कारपेट नहीं की, आप इतने फास्ट हो कि आपने देख लिया कि 992 आ रहा है, आपके पास टाइम है मतलब एक्शन लेने का, तो उस टाइम आप क्या कर सकते हो। 992 में देखो सबसे जो मतलब रेंज एंड इन्फेंट्री सबसे ज़्यादा है ना, तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस की बात लगाओ, अगर इन्फेंट्री एंड रेंज होता है तो उसको आप किससे अटैक करते हो। इन्फेंट्री ब्लास्ट मारते हो मतलब नॉर्मली, अगर आप सोलो खेल रहे हो या डार्कस्ट पे कर रहे हो, इन्फेंट्री ब्लास्ट मार रहे हो, तो इसमें भी वही दिमाग लगाओ कि अगर मैं फ्रंट लाइन इन्फेंट्री रखूँगा तो आराम से मेरे चांसेस है 992 को हराने के लिए। वही हमें करना है। 947 है तो हम इन्फेंट्री आगे कर देंगे, क्योंकि उसका 992 है, 2 टाइप ट्रूप्स है ज़्यादा, तो इन्फेंट्री अगर आपकी ज़्यादा होगी तो आराम से वो निकल जाएगा आपका, ठीक है, मतलब आप जीत जाओगे। ऐसी 749 है, 749 में हालांकि मैं आपको ये बात बता दूं कि इसको मतलब आप डिफेंड थोड़ा सा मुश्किल होगा 992 को करना, क्योंकि इसमें 947 में क्या था, थोड़ी सी इन्फेंट्री ज़्यादा थी, इसमें थोड़ी सी इन्फेंट्री कम है 749 में, तो अगर आप उसको काउंटर भी कर लेते हो, हालांकि आपकी इन्फेंट्री कम है, प्लस 992 में उसका रेंज का स्टैट काफ़ी ज़्यादा होगा, इन्फेंट्री का स्टैट काफ़ी ज़्यादा होगा, तो मतलब 50-50 चांसेस होगा, आप जीत भी सकते हो नहीं भी जीत सकते हो। अगर एनिमी थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है 992 का, उसका ऑफकोर्स उसका मतलब अटैक काफ़ी अच्छा होगा, तो आराम से आपको निकाल देगा अब आप वंडर से। ऐसे ही 442, अगर आपका 442 है 992 से अटैक कर रहा है, तो आप काउंटर इन्फेंट्री से करो, आराम से आप निकल जाओगे।
ऐसी जैसे 947 कॉम था, 424 भी उससे ज़्यादा मिलता जुलता ही है। अगर आप इन्फेंट्री आगे रखोगे एंड एनमी 992 से अटैक कर रहा है तो बहुत बड़ा काउंटर हो जाएगा, क्योंकि 1.6 मिलियन तो उसकी रेंज है, बट आपकी भी 424 में कितनी होगी, 1.5 तक होगी। तो इतनी 1.5 इन्फेंट्री, 1.6 रेंज, मतलब टोटली काउंटर हो जाएगा। सेम 433 में इन्फेंट्री आगे रखो, आराम से निकल जाएगा। बट रेंज फेलेंस रखने की भूल मत करना पाँचों के पाँचों में। जिस टाइम आपने रेंज फेलेंस रख दिया, जितना मर्जी स्टैट हो आपका, फुल मिथिक चैंप क्यों ना हो, नॉर्मल प्लेयर भी मतलब गेयर वाला आपको हरा देगा रेंज वर्सेस रेंज में। 992 अगर वो रेंज में मार रहा है और आप भी रेंज में डिफेंड कर रहे हो 947 को, 749 को, उसके अगेंस्ट 992, तो बहुत ज़्यादा कम चांसेस है इसको जीतने का, ठीक है। तो इन्फेंट्री फेलक्स में आपको डिसाइड करना पड़ेगा तुरंत कि 992 आ रहा तो इन्फेंट्री में आना है। बट आपको देखना चाहिए कि अगर आपके पास इन्फेंट्री ट्रूप्स हैं, प्लस आजकल क्या करते हैं 947 में लोग या 424 में 2 रेंज हीरो, 2 कैवलरी हीरो एंड 1 इन्फेंट्री हीरो लेकर चलते हैं। उस केस में अगर आपके पास 947 एंड आप इन्फेंट्री फेलक्स रख रहे हो, तो उस केस में भी आपके कहाँ चांसेस कम है जीतने के, क्योंकि आपकी बिगेस्ट स्कोर तो है मतलब इन्फेंट्री फ्रंट लाइन भी, आप उसको इन्फेंट्री रख रहे हो, बट आपकी मतलब इन्फेंट्री स्कोर के पास एक ही हीरो है, तो आप उसको कैसे जीतोगे, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। चाहे आपने काउंटर कर लिया, बट हीरो डज मैटर, हीरोज का बहुत ज़्यादा रोल है कॉम्प बनाने में। ऐसा नहीं है आप मुंह उठा के मतलब चार कैप के हीरो डाल दिए, ये आर्मी अटैक देते हैं तो मेरा मतलब वंडर पे स्ट्रॉन्ग हो गया, मतलब पांचों के पांचों आर्मी अटैक हीरो लगा दिए, पांचों के पांचों देखे तो निकले मतलब कौन से कैप के, 100% आर्मी अटैक तो मिल जाएगा उसमें, नो डाउट। बट है तो कैवलरी स्क्वाड के ना, वो कैवलरी को ही मतलब हेल्प करेंगे, बाकी की ट्रूप्स आपकी फालतू में मरेगी इन्फेंट्री अरे। इस चीज़ का ध्यान रखना, जो मैंने आपको हीरोज बताए हैं इस चीज़ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है कि हीरोज कौन से होने चाहिए। एंड हाँ सॉरी, फैमिलियर हमारे रह गए, फैमिलियर भी जैसे 442 के होते हैं वैसे ही 992 के भी लगा सकते हो। देखो हमारा अटैक इसका ज़्यादा इन्फेंट्री एंड रेंज का, तो आप क्या करो 600% दोनों मतलब इन्फेंट्री रेंज के हो गए, दो हो गए 150% वाले इन्फेंट्री रेंज के, एंड एक कौन सा हो गया आपका ग्राइपन हो गया, तो ये पांच के पांच फैमिलियर हो गए। एंड टैलेंट के ऊपर भी आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि आप मिक्स टैलेंट में आप इसको कह रहे हो 992 में। मिक्स टैलेंट में क्या होता है कि आप तीनों में डाल डाल के रखते हो, मतलब टैलेंट इन्फेंट्री में भी, रेंज में भी एंड कैवलरी, तो मतलब आपको टैलेंट थोड़े से कम पड़ते हैं। तो अगर आप 992 में डाल के रखोगे तो आप मेन फोकस किसके ऊपर करोगे, इन्फेंट्री या रेंज के ऊपर, कैप को आप निगलेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप क्या करो, जो उसके बाद टैलेंट बच जाए रेंज एंड इन्फेंट्री के डालने के बाद, तो आप डिफेंस में डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद भी अगर आप बच जाए तो कैवलरी में डाल सकते हो, ठीक है। एंड एक चीज़ मैं और बता दूँ, जो 992 है कॉम्प सेम वर्क करता है 550 के साथ भी, 550 भी इस जैसा ही है 992 में, ठीक है। बट 992 एंड 550 में क्या डिफरेंस है, जो 992 है इसमें थोड़ा सा कैवलरी है। अगर बाय चांस मान लो किसी ने मतलब 947 से अटैक किया इन्फेंट्री फेलेंस के साथ, एंड आपका मतलब वो थोड़ा सा मतलब इतना स्ट्रॉन्ग लीड नहीं है, बट उसने काउंटर आपको कर लिया, आपने उसने आपको काउंटर कर लिया, बट आपके पास थोड़े से अगर कैब भी होंगे ना, कैब क्या उसका फ्रंट लाइन इन्फेंट्री होगा, कैब मतलब थोड़ी सी आपकी हेल्प कर देंगे मतलब उसको आपको डिफेंड करने में, बट 550 के साथ ऐसा नहीं है। वो मतलब एक मतलब अगर समझ लो कि ये 90% स्ट्रॉन्ग है ना, तो 550 100% स्ट्रॉन्ग है, आप इसका मतलब आइडिया लगा सकते हो। बस ये डिफरेंस है थोड़ा सा कैब लेकर चलने से क्या होता है, बट 550 में अगर किसी ने काउंटर कर लिया आपको इन्फेंट्री ट्रूप के साथ फ्रंट में रखे, तो 0% चांसेस हो गए जीतने के। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना कि आपका अटैक कितने परसेंट कौन सा है, उसके हिसाब से आपको कॉम्प के साथ खेलना है। अगर आपका 442 जैसा मतलब अटैक स्टैट, तो आपको उस टाइप के देख उस टाइप से आपको खेलना पड़ेगा 442 से। अगर आपका स्टैट 992 से है तो 992 के साथ खेलना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है कि आपके पास मिक्स स्टैट है, मतलब आप कोई भी कॉम्प चला रहे हो तो ऐसा वर्क नहीं करेगा। फिर आप मुझे कमेंट करो कि यार आपने बताया था 424 खेलना है, ऐसे मैंने खेला बट मैं जीत नहीं पा रहा हूँ। तो मेन मिस्टेक वहीं पे होती है कि आप अपना स्टैट देखा करो कि आपका किस टाइप का, मिक्स स्टैट है तो 433 के लिए जाओ,
वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि 4-3-3 इसलिए ही बना कि आपका अगर मिक्स स्टैट है तो आप उस टाइप से खेल सकते हो। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। एंड कोई अगर प्रो क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे जाओ, वीडियो पे कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड हाँ, टेलीग्राम ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर वो आपको प्रॉब्लम हो रही है ज्वाइन करने में तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।